हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं। एक मिनट, ये मेरा ही चैनल है ना? नहीं भाई, ये गलत एड्रेस पे आ गए हो तुम। तो क्या मैं तुम्हारे चैनल पे आ नहीं सकता? यूट्यूबर भाई भाई। हाँ वो तो है, पर शायद इंट्रो मेरा डालना था, पर तुम्हारा भी चल जाएगा। तो भाई मैं बोल रहा था। अभी बोला कहाँ? चलो छोड़ो। आप कोड के बारे में क्या सोचते हो और बंदा आगे क्या प्लान कर सकता है, क्या लगता है तुम्हें? मैं बताऊं तो कोड एक ऐसा बंदा है जिसने हमेशा से इशिकी के तलते चाटा है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। इशिकी ने फिर भी दूसरे बंदों का अपॉइंट किया था और उसके बाद इशिकी ने कोड को बहुत ज्यादा लब पर भी मारा था, जहां अगर कोड की जगह कोई और होता तो इशिकी को कब का छोड़ चुका होता। पर हमारा कोड बहुत ही वफादार है इशिकी को, बिल्कुल मेरे पड़ोसी शर्मा जी के कुत्ते की तरह। भाई कुत्ते वफादार होते हैं, कोड वफादार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुत्ता है। मैं आज क्या बोल रहा हूं यार, अगर कोई कोड का फैन हो तो माइंड मत करना प्लीज। देखो सीधे शब्दों में कहूँ, देखा जाए तो कोड विलन के मामले में बहुत ही बेटर बंदा था, है नहीं? लेकिन अब देखो, पिछले कुछ चैप्टर में हमें ऐसा लगा था बोरुटो मांगा में तो कोड ही भगवान है, इसके ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। कावाकी का कार्मा वापस आने के बाद और फिर जो कोड की हालत हुई है वो सभी को पता है, लेकिन फिर भी कोड जो भी कर रहा है वो अपने मेंटोर के लिए कर रहा है, इशिकी के लिए कर रहा है जिसे वो भगवान मानता था। लेकिन अब तो वो भी प्लान फेल हो गया। प्लान फेल हो या पास हो उससे मतलब नहीं है, बट जो भी हो कोड ने जो भी किया उसके लिए तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट बनती है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर के लिए इतना नहीं करता है। हाँ ये तो है भाई, मुझे लगता है कोई नया विलन भी आना चाहिए, क्योंकि इन तीनों से कुछ हुआ तो नहीं जा रहा। जहाँ मेरे अकॉर्डिंग कोई नया ओत्सुकी आना चाहिए जिससे सब बदल जाए, और इस बार नरुटो और सास्के पे फोकस ना हो के ज्यादा फोकस बोरुटो और कवाकी पे होना चाहिए, जिसके बाद अगर नया विलन आए भी तो उनके पसीने छूट जाए बोरुटो और कवाकी के ओत्सुकी लेवल पावर को देख के। देखो अगर कोई उत्सुकी आता है तो वो पहले अपना बैकअप बनाएगा जिससे उसकी आने वाली प्रॉब्लम्स कम हो सके। अब तक मैंने हर एक उत्सुकी के बारे में एक चीज नोटिस की है कि इनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, चाहे वो इशिकी हो या कागुया हो, दोनों ही बहुत बड़े गैम्बलर हैं। बट कागुया एक लेवल अप वाले गैम्बलर है, क्योंकि अगर कड़ी से कड़ी मिलाओगे तो मुझे लगता है कि कागुया ज्यादा बड़ी गैम्बलर है, उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊं, जब फर्स्ट टाइम कागुया एंड इशिकी अर्थ पे आए थे और उस टाइम पर कागुया को जैसे ही भनक लगी कि इशिकी मुझे 10 टेल के लिए सैक्रिफाइस करने वाला है, सो कागुया ने अपना गेम खेला और इशिकी को बहुत बुरा जख्मी कर दिया। आई डोंट नो कौन सी वजह रही होगी वो, और ना जाने किस टेक्निक से इशिकी की ऐसी हालत हुई कि इशिकी मरने तक को हो गया था। जहां तक मेरा ख्याल है कागुया ने ये चीज बहुत पहले ही प्लान कर ली होगी, वरना इतनी जल्दी तो कोई प्लान भी नहीं कर पाता है। यार बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो मानो अगर एक ओत्सुकी ने कोड को पकड़ लिया और उस पे अपना कर्मा इम्प्लांट कर दिया तो। अरे भाई क्या कह रहे हो? अरे भाई सुन तो लो, अभी तक सिर्फ इशिकी था जिसने सब कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलाया था, पर इशिकी बहुत पहले ही अर्थ पर आ गया था, और उस टाइम पर ओत्सुकी प्लेनेट पर जो भी टेक्नोलॉजी होगा उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे हमारे पास होगा। भाई तू सच में कमाल है यार, यहाँ आकर कुछ तो सीखने को मिला मुझे, मजा आ गया भाई। इससे तो ये क्लियर हो जाता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी से डिफेक्टिव वेसल को भी सही किया जा सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है यार। हाँ भाई। यार तुम्हें तो बड़ी नॉलेज है। अरे नहीं नहीं। अब भाई मैं चलता हूँ यार, बैठे बैठे कमर दर्द कर गई। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप भी नेक्सस के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। भाई मैं बोलूंगा आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।